क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे स्क्वायर है तो रेट दे रखा है हमें 16 पर 100 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे सबसे पहले। तो रेडियस आ जाएगा हमारा 10.5 डिवाइड बाय 2, इसी को हम पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम अगर कैंसल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा पॉइंट में और बहुत ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्या कह रहा है हमें, इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल है तो इसमें अंदर की तरफ से हमें इनसाइड अंदर की तरफ पेंट कराना है, तो इसमें ऊपर वाला सरफेस तो होता नहीं है, मतलब ये ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेर बाउल। ठीक है, बाउल लिख देते हैं यहाँ पर, बाउल मतलब होता है कटोरा, या फिर लोकल लैंग्वेज में इसे कटोरा ही कहा जाता है। ठीक है, सी एस ए ऑफ बाउल होता है हमारा 2πr². तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में आर, आर की वैल्यू हमारी 10.5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 10.5 डिवाइड बाई 2। मतलब मैंने ये दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि क्या है, इसका स्क्वायर है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने आप में स्क्वायर है। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से ये आ गया 11 पर। ठीक है, अब 7 से 10.5 भी कैंसिल होता है, 7 बन जा 7 और 7 यहां पर कितना बचा, 3, 3 और 5 हो गया 35, तो 0.5 जा 35 हो जाएगा हमारा ऊपर जो वैल्यू, नीचे तो कोई वैल्यू बची नहीं हमारी, ऊपर बची है हमारी वैल्यूज 11 मल्टीप्लाई में 1.5 मल्टीप्लाई में 10.5। जो भी आएगा हमारा वो क्या होगा, एक मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, जो भी आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, आई थिंक 40, एक मिनट, ये हो जाना चाहिए हमारा 173। ठीक है, 173.25। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा एरिया इतना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोस्ट। तो कोस्ट क्या होता है हमारा, कोस्ट इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में रेट। एरिया हमने निकाला है 173.25 मल्टीप्लाई में रेट, में यहां दे रखा है 16 अपॉन में, या फिर 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर के बाद जो वैल्यू होगी वो आ जाती है नीचे, तो 16 अपॉन में 100। कैंसल आउट करेंगे 25 फोर जा, और इसे भी कैंसल आउट करेंगे हम 25 से, 25 सिक्स जा 150, यहां बचेगा हमारा 23। ठीक है, 2 3 2, उसके बाद आ जाएगा हमारा 23 9 जा, पॉइंट हमने लगा दिए क्योंकि हमारी पॉइंट की वैल्यू 2 हमने ले लिया इसके साथ। ठीक है, तो 9 जा पे आएगा हमारा 2 2 5, बचा हमारा ये 7 और 5। ठीक है, 7 5 बचा, तो 25 3 जा 75, और 4 से इसको भी कैंसिल आउट कर देंगे 4, तो हमारा जो बचा है वो क्या है, 6.93 मल्टीप्लाई में 4। ठीक है, ये निकलेगा हमारा कोस्ट, तो कोस्ट होता है हमारा रुपीज में, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, मल्टीप्लाई करना ये इजी है बिल्कुल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 27.72 रुपीज। ठीक है, हमें यही निकालना था कोस्ट, और यही होगा हमारा आंसर।